वायरल एक्सरे वो शो है जो आपको दिखाता है सच और झूठ से आपको बचाता है। सोशल मीडिया में अक्सर ऐसे मैसेज, फोटो या फिर वीडियो वायरल हो जाते हैं जो सच्चाई से बहुत दूर ले जाते हैं। ऐसे में हम उनकी पड़ताल करते हैं और आपको सच से रूबरू कराते हैं इस खास शो वायरल एक्सरे में। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के बाद अब यूपी में भी महिलाओं के बाल काटने वाला अनदेखा साया लोगों को सताने लगा है। सोशल मीडिया में भी इस तरह की खबरें आम हैं कि कोई अनदेखा साया महिलाओं की चोटी काट रहा है। सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि एक चुड़ैल महिलाओं के बाल काट देती है। हालांकि सुनने में यह दावा बेहद अजीब लगता है, तो झूठ से बचाने वाले शो में आज हम एक्सरे करेंगे इसी दावे का। अब उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के बाल काटने वाला अनदेखा साया दस्तक दे चुका है। वो रात के अंधेरे में महिलाओं के बाल काटकर गायब हो जाता है। सुनने में भले ही यह आपको एक अफवाह लग रही हो, लेकिन जब पुख्ता सबूतों के साथ ये दावा पेश किया जाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की अफवाह जोर पकड़ चुकी है। लोग फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक इस अनदेखे साये की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बाद ये साया उत्तर प्रदेश में भी लोगों को सता रहा है। हालांकि विज्ञान और तकनीकी के इस दौर में इस तरह की चर्चाएं बड़ी बेईमानी सी लगती हैं। लेकिन चर्चा है तो उसकी पड़ताल भी जरूरी है और सच का पता लगाना भी अहम है। ऐसे में वायरल एक्सरे की टीम ने सोशल मीडिया की इस अफवाह का एक्सरे शुरू किया। आपको अपनी पड़ताल के बारे में बताएं, उससे पहले जान लेते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए इस अफवाह को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में इन दिनों एक अनजान साया सुर्खियों में है। लोग खौफ में हैं, इस अनदेखे साये से डरे और सहमे हुए हैं। इन दावों के मुताबिक रात के अंधेरे में एक चुड़ैल आती है और लोगों के बाल काट कर चली जाती है। तो नेक पीछे मुझे तनक पीछे ऐसे एक दो मिनट पीछे चक्कर से आमन लगे, उसमें घुमेर से खामन लगी। तो और ही बहुआ बात गई, कृष्णा मोह पकड़ी हो, कृष्णा मोह पकड़ लिया। माना कि मैं पकड़ी तो चक्कर से मैं इसमें चक्कर हारे गए, तो मैंने आप देखे मुँह से लगा के तो बार मुँह कटी मिली है। अच्छा, गिर पड़ी तो जब देख रही गई। हाँ, गिरी नहीं, खारी देख रही, चक्कर से खारी गई। मैंने भरी दुनिया ने भरी, बाहर कट रहे, बाहर कट रहे। तो मैंने हाथ दिया तो कम भी के मुँह बाहर से मैं गैर मुश्किल है गई। मैं बोली इनके दिए क्यों नहीं, बाहर कट गए, बाहर कट गए। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में सामने आया। इससे पहले दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में इस तरह की अफवाहें जोर पकड़ चुकी हैं। चर्चाएं आम हैं कि एक चुड़ैल है जो रात के अंधेरे में महिलाओं की लंबी चोटी को काट कर ले जाती है। हालांकि इस दावे में महज अफवाह के सिवा कुछ नहीं लगता, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, वो बेशक चौंकाने वाले हैं। मथुरा में महिला की चोटी कट जाने से दहशत का माहौल है। इन दिनों लोगों की जुबान पर चोटी कटने का मामला ही है। गांव-गांव इस बात को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। रातों रात महिलाओं की चोटियां कट रही हैं। सोशल मीडिया में दावे के मुताबिक मथुरा के भंडोकर गांव में एक महिला की चोटी काट दी गई और चोटी कटने के बाद वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी कटी चोटी देखकर वो भी सन्न रह गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग महिला को देखने के लिए जमा हो गए। गांव में दहशत फैल गई। कोई इसे आत्माओं से जोड़ रहा है तो कोई इसे चुड़ैल का साया करार दे रहा है। क्या हुआ था आपके संग, ये बताएं जरा। जो पहले तो चलती हुई थी कि आप जाती हुई और फिर मैंने बोल सुना रहे हो, फिर तसला मारे हो, फिर मैं किधड़ डरती, मैंने फिर बात रखी थी। क्या कर रही थी आप उस समय, जिस समय कपड़ा धो रही, कपड़ा धो रही थी? तो आपको पता नहीं पड़ा कि वो आई है अचानक और एकदम आपके छुट्टियाँ काट लिया उसने? तो बाकी मतलब लंबे लंबे दांत थे और छुट्टियाँ काटी है, पता परिणाम हुआ। फिर आपको कैसे पता पड़ा कि आपकी छुट्टियाँ कट गई है? वो जब पीछे पता पड़ी है, जब मैंने कई बार ले गई ले गई ले गई ले गई काट ली है।
पीड़ित गुड्डी ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। गुड्डी के मुताबिक वो कपड़े धो रही थी और अचानक ही एक अनजान साया आया। गुड्डी का दावा है कि उसके दांत बड़े बड़े थे और उसने चोटी काट ली। गुड्डी की बातें हैरान करने वाली हैं, लेकिन गुड्डी अपने कटे हुए बाल दिखा रही है। आखिर सच क्या है इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन वायरल एक्सरे में इस मामले की पड़ताल जारी थी। हमने महिला के ससुर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी बहू गुड्डी के बाल कट गए, लेकिन बाल कटने के बाद जब शोर मचा तो लोग दौड़े तो गुड्डी को गिरा हुआ पाया। खुद हमारे यहाँ सीकंद जो है फिक्स 11:15 बजे और हमारे घर हमारी बहू और हमारे सब परिवार के हुई सीकंद, ना कोई बांधने में घर घुसे हो, ना कोई आम तो देखे हो, ना कोई जहाँ तो देखे हो, और आई 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 और आगो आगो और लेगो लेगो ऐसे बोल के और बहू जो है पछार खा के गिर पड़ी और उसकी चुटिया कटी पाई। हमने देखे हैं बहुत सारे पूरा गांव आलियो आन गांव तक मेहरानो सतवास के आए सुन के और बहुत गांवन के बाहर बार तक के आदमी आए, तो उन्हें भी ये बात कही प्रत्यक्ष में हकीकत में सही है ये बात। ससुर का दावा है कि पुलिस ने उसने शिकायत के लिए कहा है, लेकिन कोई पुलिस कर्मी उनके यहाँ जांच के लिए नहीं आया। उनके पास जो है मैं फोन कर रहा हूँ तो आज के नंदगांव हमारे एक बालक हूँ चौकी पे, तो मैंने उनसे कही मैं चोरन ने ये धानदार दुनिया भर के लामे पकड़ के मर मैं बवाल है तो पकड़ो ही कहा बवाल है, बल्कि पुलिस कहा लावे यहाँ सीखे ढूंढ के, तो मैं कहते ये दरोगा तो भी है जाँच करे काम हम लोग मिलती। कोई पुलिस वाले आया भी ना, कोई नहीं आया अभी यहाँ। मामला बेहद हैरान करने वाला है, साथ ही गंभीर भी। आखिर महिलाओं की चोटी काटने वाला अंधेरा साया कौन है? ये पर्दे के पीछे ही है। हालांकि पीड़ित गुड्डी ने उसे देखने की बात कही। हमने परिवार वालों से बात करके हकीकत जाननी चाहिए तो उन्होंने भी बताया कि उनकी बहू गुड्डी की चोटी कट गई। अपनी पड़ताल में पीड़ित और पीड़ित परिवार वालों से बात करने के बाद हम पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे और महिलाओं की चोटी काटने वाली बात का सच जानने की कोशिश की। हमने उनसे ये भी पूछा, लोग कह रहे हैं कि चुड़ैल आ गई है और बाल काट रही है। इस पर उन्होंने बताया कि जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनकी भी जांच कराई जाएगी। तो पर चर्चा है महिलाओं की छुट्टियां काटे जाने की, क्या मामला है अब तक, क्या सामने निकल कर आया है? ये बात अभी किसी चैनल के माध्यम से संज्ञान में आई है और इसको मौके पर भेज करके जांच करवाई जा रही है, देखा जा रहा है कोई रूमर है सच्चाई है जो भी है, अगर सच्चाई है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर पिछले 3-4 दिनों से इस तरीके की रूमर काफी हो रही है, चुड़ैल आ गई है बाल काट रही है, महिलाएं भी गंभीर हालत में है, उनको भी मतलब कहीं ना कहीं घायल है। इसके पहले कोई ऐसी बात मेरे संज्ञान में नहीं, अगर कोई है तो उसकी जाँच करा ली जाएगी, जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे उसकी जाँच करा ली जाएगी। चोटी कटने वाले अनदेखे साए के सच की पड़ताल में हमने पीड़ितों से भी बात की, पीड़ित के परिवार वालों से भी बात की और पुलिस के अधिकारियों से भी बात की। क्या महिला की चोटी काटने वाली घटना का कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? इसके लिए हम डॉक्टर से भी मिले। ये वाली जो चोटी काटने वाली घटना है, हो सकता है किसी एक व्यक्ति की ये एक झक होगी जिसकी वजह से वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भी कोई ना कोई मानसिक रोग होगा, क्योंकि कई हम लोग क्या हर चीज को भूत प्रेत पिशाच निशाचर और पता नहीं कौन कौन सी घटनाओं से जोड़ दिया जाता है, जबकि वो ऐसी चीजें निकलती नहीं है। भूत प्रेत किसी ने देखा नहीं है, बातें आप गले कर लीजिए, लेकिन इससे क्या होगा कि आप इस तरह की बातें करते हैं तो उस समाज में उस माहौल में इस तरह का डर बैठ जाता है, जब डर बैठ जाता है तो आदमी का दिमाग वैसे ही इतना भयभीत होता है तो वो चीज़ें इमेजिन करने लगता है, उस इमेजिन करने की वजह से जरा सी चीज़ में अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अपने बाल सहला रहा होगा या कहीं देख रहा होगा बालों में तो कोई डर बैठेगा कि ऐसा तो नहीं यही वो है जो सबके चोटी काट रहा है। अब से उसको ये कहना कि साहब कोई भूत प्रेत आ रहा है ये तो मिथ्या बात है। तमाम बातों पर गौर करने के बाद कई बातें सामने निकल कर आई, लेकिन उससे पहले हम ये साफ कर दें कि हमारा इरादा अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन कई बार दावे इस तरह किए जाते हैं कि अंधविश्वास में लिपटी बातों को लोग सच समझ लेते हैं, लेकिन हमने मामले की तह तक जाने की कोशिश की और अपनी पड़ताल में महिलाओं के बाल काटने वाली बात से पर्दा हटाया। हमारी पड़ताल में पता चला कि महिलाओं की चोटी काटने वाली बात सही है, महिलाओं की चोटी चुड़ैल या साय ने काटी ये दावा गलत है और अंधविश्वास में लिपटा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चोटी काटने वाले अनदेखे साए ने महिलाओं की चोटियां काट ये दावे कई राज्यों से किए गए। तो यहाँ आए थे मतलब एकदम से उसे चक्कर से आई मतलब गिर पड़ी है वो, हमने वो खड़ी करी है तो मतलब उसमें मतलब चुटियां यहाँ पड़ी है अलग पड़ी मतलब चुटियां, तो उसके बाद हमने देखो तो मतलब बेहोश है गई वो और तो हम लड़के बहू ने और माने हमारी भाभी जी ने वो खड़ी करी। तो क्या तुम इसे एक अफवाह मान रहे हो या कोई बाकी में कुछ ऐसा है जिससे ये चुटियां कट रही हैं? अफवाह कहा था, वो तो आंखें देखी बात है, अफवाह का मतलब कोई
दो नंबर का काम दर्दनाक, मतलब अफवाह का, मतलब भाई कोई याद हुआ है। और फिर यूपी के मथुरा में भी इस तरह के दावे किए जाने लगे। हमने वायरल एक्सरे में इसकी पड़ताल की तो महिलाओं की चोटी काटे जाने वाली बात सच साबित हो गई, जबकि चोटी काटने वाले अंधे के साय या चुड़ैल की बातों के दावे गलत हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चोटी काटने वाले वीडियो का सच जानने के लिए हमने पड़ताल की तो हमारी पड़ताल में मालूम पड़ा कि बरसाना थाना क्षेत्र के गांवों में इस तरह का माहौल बना हुआ है। गांववासी पूरी दहशत में है। रातों रात अदृश्य तरीके से महिलाओं की चोटी कट जाती हैं और लोगों में घबराहट और हड़कंप मच जाता है। हमारी पड़ताल में पता चला कि जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चोटी काटे जाने का मामला दिखाया जा रहा है वो सही है। मथुरा से विनोद शर्मा, समाचार प्लस। सोशल मीडिया में अक्सर चर्चाओं और अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। नोटबंदी के बाद से नोटों और सिक्कों को लेकर तो अफवाहें बहुत आम हो गई, क्योंकि 2000 के नोट के बंद होने की अफवाह फैलती है तो कभी 200 और 1000 के नोट बाजार में आने की। एक ऐसी अफवाह इन दिनों जोर पकड़ रही है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस मैसेज के जरिए कहा जा रहा है कि 5 और 10 के सिक्के बंद हो रहे हैं। हालांकि 10 के सिक्कों को लेकर पहले भी यह दावा किया गया है। ऐसे में इस खबर की पड़ताल लाजमी हो जाती है। हमने इन दावों की पड़ताल की, देखिए हमारी पड़ताल की रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था कि 2000 का नोट बंद होने वाला है, तो कुछ अफवाहें ऐसी भी थीं कि 100 का नोट भी बंद हो रहा है। फिर नए नोटों को लेकर अफवाहें फैलने लगी। कहा गया कि बाजार में 1000 और 200 रुपए के नए नोट आने वाले हैं। हालांकि ये सारे दावे महज अफवाह ही साबित हुए, लेकिन अब एक और अफवाह है जो इन दिनों सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस मैसेज के मुताबिक 5 और 10 के सिक्के बंद होने वाले हैं। आप इस अफवाह की सरगर्मी का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि शाहजहांपुर में व्यापारियों ने 5 और 10 के सिक्के लेना तक बंद कर दिए। इन दिनों मैसेज वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में बताया जा रहा है कि 1500 के नोट बंदी के बाद अब 10 और 5 के सिक्के भी सरकार ने बंद कर दिए हैं। इस मैसेज के बाद यहाँ दुकानदार सिक्के नहीं ले रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बैंक में भी सिक्के लेने से मना कर दिया है। इससे पीड़ित होकर यहाँ पे जो है एक पीड़ित व्यक्ति ने, ठेले वाले ने SDM को तहरीर दी है, बताया जा रहा है। हम उस वायरल मैसेज की पड़ताल करने पहुँचे हैं शाहजहांपुर। मामला इतना बढ़ गया कि इससे परेशान होकर एक गरीब चाय वाले ने इस मामले को लेकर व्यापारियों के खिलाफ SDM को तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कारोबारी ने सरकारी मुद्रा लेने से मना कर दिया। हालांकि वायरल हो रहे मैसेज के दावे का सच क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसे में हमने इसकी पड़ताल की। इस अफवाह का सच जानने के लिए हमने अपनी टीम शाहजहांपुर के लिए रवाना की। वहाँ पहुँच कर हमने शिकायत के आधार पर पीड़ित को ढूंढ निकाला। हमने पीड़ित से बात की। पीड़ित का कहना है कि वो ठेले पर चाय और चाट बेचते हैं। उसकी रोज की बिक्री करीब 200-300 रुपए तक हो पाती है, जिसमें 10 और 5 के सिक्के ज्यादा आते हैं। वही सिक्के लेकर जब वो बड़े व्यापारी के पास सामान लेने गया तो उसने सिक्के लेने से मना कर दिया। दरअसल पूरा मामला जलालाबाद कोतवाली के मोहल्ला रामनगर का है। यहाँ के रहने वाले प्रेम कुमार ठेले पर चाय और टिक्की बेचकर अपने परिवार को पालते हैं। प्रेम कुमार ने बताया कि उसकी बहुत बड़ी दुकान नहीं है, दिन भर मेहनत करने के बाद वो 200-300 रुपए तक कमा पाता है। प्रेम कुमार का कहना है उसके पास ज्यादातर चाय के पैसे सिक्के में ही आते हैं, जिससे उसके पास कागज के नोट जमा नहीं हो पाते। कुछ दिनों पहले वो चावल लेने के लिए गंगा प्रोविजन स्टोर गया। वहाँ उसने चावल खरीदा, उसके बाद उसने कागज के 20 रुपए के नोट और कुछ सिक्के दुकानदार को दिए, लेकिन सिक्के लेने से दुकानदार ने इनकार कर दिया। जब प्रेम कुमार ने दुकान मालिक से सिक्के लेने का दबाव बनाया तो दुकान मालिक मारपीट पर उतर आया और प्रेम कुमार को वहाँ से भगा दिया। इसके बाद पीड़ित प्रेम कुमार ने SDM सत्यप्रिय सिंह से मामले की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। चावल लेने
महीने का 64 रुपए था, तो 20-20 के दो नोट दिए थे, चार नोट दिए थे 5-5 के, और 2 रुपए 4 रुपए उसे दिए, तो उन्हें कहा चावल नहीं, भागो भागो नहीं मिलेंगे चावल, भगा दिया था। दूसरे दिन हमने बच्चों को भेजा तो कमिश्नर साहब को तहरीर दी, 10 और 5 के सिक्कों का चलन यहाँ पे बंद किया। यहाँ पे जितने दुकानदार हैं बड़े वाले हैं वो 5 के और 2 के सिक्के ले ही नहीं रहे किसी बात, कोई भी 10 और 5 के सिक्के नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा, हम तो मजबूरी ले रहे कि हमारी छोटी दुकानदारी हम लोग लेने पड़ रहे। प्रेम कुमार से बात करने के बाद सोशल मीडिया में वायरल मैसेज में जो दावा किया जा रहा है कि 5 और 10 रुपए के सिक्के बंद होने वाले हैं, इससे पर्दा उठना बाकी था। लेकिन हमें इतना पता चल चुका था कि बड़े व्यापारी सिक्का लेने से मना कर रहे हैं, जिससे परेशान गरीब चाय वाले को SDM से न्याय की गुहार लगानी पड़ी। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और सीधे SDM जलालाबाद सत्यप्रिय के पास पहुंचे। उनसे जब हमने बड़े व्यापारियों के सिक्के लेने से मना करने वाली बात पर सवाल दागा तो उन्होंने बताया कि 5 और 10 रुपए के सिक्के लेने से मार्केट में दुकानदार मना कर रहे हैं, ऐसी शिकायतें मिली हैं। जिसके बाद उन्होंने बैंक कर्मियों से एक मीटिंग ली, आम जनता के बीच नगर पालिका और समाचार पत्रों से जागरूकता फैलाएं कि 10 और 5 रुपए के सिक्के मान्य हैं, ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सिक्के बंद होने वाले हैं, जो दुकानदार सिक्के लेने से मना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वायरल हो रहा मैसेज शाहजहांपुर के जलालाबाद का बताया जा रहा है, मैं उस मैसेज की पड़ताल करने पहुंचा हूं जलालाबाद SDM साहब का, मैं SDM साहब से बात करूंगा इस समय कि क्या पूरा मामला है और क्या उसमें जो है क्या निकल के आया, क्या सच्चाई है। नोट प्रॉपर्टी आ गए हैं तो सिक्कों की ऐसे डंपिंग हो रही है और जो व्यापारी सिक्के लेके आ रहे हैं वो एक बार में 20,000-30,000 सिक्के लेके आ रहे हैं, तो बैंकिंग व्यवस्था उसको एक बार में उतना सिक्के लेने में सक्षम नहीं हो रही है, तो ये एक तरीके से मार्केट की ये अफवाह चली गई कि बैंक सिक्के लेना बंद कर, जबकि वास्तविकता ये थी कि सिक्कों की अधिकता के कारण जो व्यापारी जा रहे थे वो एक बार में 20,000-30,000-50,000 तक के सिक्के लेके जा रहे थे, तो बैंक का ये कहना था कि इतनी मात्रा में हम कभी सिक्के नहीं ले सकते, तो बैंक के जो प्रबंधक थे उनकी बैठक करके ये निष्कर्ष निकला कि प्रति खाता धारक प्रति सप्ताह 1,000 रुपये तक के सिक्के वो बैंकों में जमा कर सकेंगे, यानी एक व्यक्ति एक सप्ताह में 1,000 रुपये तक के सिक्के अपने खाते में जमा करेगा, और बदले में बैंकों का ये कहना था कि इससे केवल बैंकों में सिक्के जमा होंगे तो उनका विड्रॉल के लिए भी सर कुछ ऑप्शन रखा जाए, तो पर विड्रॉल 5%, अगर आप 1,000 रुपये बैंक से निकालेंगे तो आपको उसमें 50 रुपये के सिक्के आपको लेने होंगे। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल में हमें पता चला कि 5 और 10 रुपए के सिक्के बंद होने की बात गलत है, बल्कि बड़े दुकानदार सिक्के लेने से मना कर रहे थे। दरअसल नोटबंदी के बाद बड़े दुकानदारों के पास भी बड़ी संख्या में सिक्के थे, जिन्हें बैंक में जमा कराने पर बैंक कर्मियों को भी परेशानी होती थी, लिहाजा SDM और बैंक कर्मियों के साथ बैठक में इसका हल निकालने की कोशिश की गई। तरह सोशल मीडिया में वायरल 5 और 10 रुपए के सिक्के बंद होने की पड़ताल में हमें पता चला कि सोशल मीडिया में 5 और 10 रुपए के सिक्के बंद होने की बात अफवाह है। जलालाबाद में बड़े दुकानदारों ने सिक्के लेने से मना किया था। बड़ी संख्या में सिक्कों को बैंक में जमा कराने में बैंक और दुकानदारों को परेशानी होती थी। SDM ने बैंक कर्मियों से बैठक में सिक्के जमा कराने को लेकर निर्देश दिए हैं। सिक्के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिभूति हैं और इन्हें लेने से कोई इनकार करता है तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान है। सोशल मीडिया में वायरल मैसेज की पड़ताल में इस बात से पर्दा हटा कि जलालाबाद में बड़े दुकानदारों ने सिक्के लेने से मना किया था और बैंक में बड़ी संख्या में सिक्के जमा करने पर बैंक भी आनाकानी करते थे। इसका समाधान SDM ने निकालने की कोशिश की, लिहाजा हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया में 5 और 10 रुपए के सिक्के बंद होने वाली बात गलत निकली। वायरल मैसेज की हम पड़ताल करने पहुंचे जलालाबाद, वहां हमने पड़ताल की और पड़ताल में वो मैसेज सही पाया गया। दुकानदार की माने तो यहां पे जो है जो बड़े दुकानदार हैं वो 10 के और 5 के सिक्के नहीं ले रहे हैं, वही अभी बड़े दुकानदारों से भी बात की है तो उनका कहना है कि जो है बैंक में ज़्यादा सिक्के आने की वजह से हम लोग जो है वो सिक्के लेने से कतरा रहे हैं। फिलहाल उस वायरल मैसेज की जो है वो पुष्टि हुई। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा, समाचार।